Hello, what's up guys, welcome back to the gameplay video. And guys, today we are playing GTA 5. और गाइस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि FIB और मैरीवेदर ने हमारी बैंड बजाने की कोशिश करी थी, यानी एक पार्टी कह रही थी कि हम ट्रिवर का गेम बजा दें और दूसरी कह रही थी कि माइकल को मार दो. लेकिन गाइस हम लोगों ने अपनी दोस्ती निभाई और किसी को कुछ भी नुकसान नहीं किया. हालांकि उनको बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं और उसके बाद हम लोगों ने मिल के FIB और मैरीवेदर दोनों का गेम बजाया. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चैंग का गेम बजाने के लिए, क्योंकि चैंग वही बंदा है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसकी वजह से हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ गए हैं. तो गाइस फ्रैंकलिन जा रहा है जल्दी से उसके अड्डे पे, और अड्डे पे पहुंचने के बाद में उसका हम ऐसा हाल करेंगे ना कि वो किसी के पीछे पड़ने की कोशिश नहीं करेगा दोबारा से. ओके गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं चैंग अड्डे पे, और चैंग का अड्डा थोड़ी सी ही दूर बच, और ये लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग ये चैंग का अड्डा ही है. तो गाइस यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और ओके गाइस चैंग यहाँ पे है अपने अड्डे पे और यहाँ से निकल रहा है. तो जल्दी से क्योंकि गाड़ियों में बॉम्ब लगाते हैं. बहुत सही, इसकी कुछ गाड़ियां तो हमने उड़ा दी है. एस्केप द ट्रायड्स. तो भाई चल जल्दी से, चल इसके में चिपका दी, बस अपना काम हो गया, रुकने की जरूरत नहीं है. बहुत सही. ओ भाई इसको तो निकलने से पहले हमने तो गाइस हमने इसको यहीं पे बैंड बजा दिया, इसके अड्डे से निकल भी नहीं पाया. और ये मजा आता है स्टिकी बॉम्ब का. तो चलते हैं भाई, स्विच टू माइकल और ट्रिवर. तो भाई हम माइकल के कैरेक्टर में स्विच कर रहे हैं, तो आ जा भाई. और अब हम माइकल के कैरेक्टर में आ गए हैं, तो देखते हैं माइकल क्या कर रहा है. ओ भाई, तो माइकल के पीछे कौन सा गैंग पड़ा हुआ है अब ये देखना पड़ेगा, FIB या मैरीवेदर. टेक आउट स्ट्रेच. तो भाई चलते हैं, इसको जो स्ट्रेच है इसका गेम बजाते हैं. ओ भाई हट जा, और आगे से टर्न लेके बस मुझे रुक जाना है यहीं से. और वो सामने रेड डॉट दिख रहा है. ओके ये पूरा ग्रुप है, तो चलते हैं भाई इनका गेम बजाते हैं. चल भाई ग्रेनेड फेंक दिया हमने, और बहुत सही, सारे के सारे मर गए साले, कोई बचा तो नहीं. एस्केप द बालास. तो भाई ये जो इसके मुस्तंडे आ रहे हैं इनको मारना पड़ेगा मुझे. चल भाई जल्दी से, और अबे मेरे पे तुम लोग अटैक करोगे, इतने बड़े मठाधीश हो गए हो. रुक साहब मैं बताता हूँ तुम्हें, आ जा भाई आ जाओ, ये निब्बी निब्बा मेरा क्या बिगाड़ेंगे. आ जाओ आ जाओ, एक और है वहीं पे है साला. आ जा, कौन है माइकल लाल आ सामने, वो है तू है निब्बी निब्बा, नहीं मानेगा ऐसे. ये ले भाई ग्रेनेड खा. बहुत सही, तो चलते हैं, ये एरिया मैंने क्लियर कर दिया है. तो फ्रैंकलिन ने भी अपना काम कर दिया, माइकल ने भी अपना काम कर दिया है, तो अब बारी है ट्रेवर की. तो ट्रेवर चल भाई तू अपने काम में लग जा, तुझे किसको क्लियर करना है पहले तो कैरेक्टर स्विच करते हैं. तो गाइस हम लोग ट्रेवर के कैरेक्टर में आ रहे हैं. तो ट्रेवर कहाँ पे है, ये ट्रेवर तो इधर कहीं कोस्ट लाइन पे घूम रहा है. ठीक है गाइस ब्रिंग डाउन हेंस. तो भाई हमको स्टीवन हेंस को मतलब गेम बजाने का काम सौंपा गया है, और वो यहीं पे इस मेले में छुपा हुआ है. ठीक है भाई कोई बात नहीं, आज ओ भाई देख के रहे हो सालों, हटो वो रहा ऊपर, ये साला यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है, ये इसने मुझसे गद्दारी की और माइकल पे अटैक कर दिया था. ठीक है बट कोई बात नहीं, अब ट्रेवर इसका गेम बजाएगा. अभी तेरा मैं इतना अच्छा कट करूंगा कि तेरा सब कुछ कट जाएगा. तेरी चेन में सब बैंड बजाऊंगा साले. ठीक है अब तू अपना इंटरव्यू दे, मैं तेरे हेडशॉट दूंगा साले, और नहीं तेरी चेन पे मारूंगा, तेरी चेन का चिन्ना कर दूंगा. ओके गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं इस मेले में, और यहीं पे हम हेंस मिलेगा जिसका हमें गेम बजाना है. तो चल भाई ट्रेवर जल्दी से, डोंट गेट टू क्लोज टू हेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग टू अटैक, क्योंकि वो हमें पहचान लेगा और इनको FIB वाले एजेंट्स को अलर्ट कर देगा. तो गाइस थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, और परफेक्ट शॉट लेने के लिए जगह भी ढूंढनी पड़ेगी. तो चल ट्रेवर जल्दी से चलते हैं यहाँ पे.
और कोई जगह ढूंढते हैं जल्दी से, चल भाई। और इधर से मुझे शॉट लेना है, थोड़ा सिंपल पड़ेगा तो मैं इधर से शॉट लेता हूँ। आ जा भाई, आ जा, स्नाइप निकाल ले अपनी और जल्दी से ले के बैठ जा, चल जल्दी से। और कोई परफेक्ट शॉट वाली लोकेशन मुझे मिल जाए। चलो ये रहा, तो बजाते हैं इसका गेम। बहुत सही, हेडशॉट मिला उसको। और कैमरामैन तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि कौन मार गया। चल भाई निकल, लूज द कॉप्स। तो अभी मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से फटाफट। तो अपनी गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी है, तो इससे पहले कि कोई पुलिस वाले पीछे पड़ जाए, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। चल ट्रेवर जल्दी से कोई रास्ता ढूंढ भागने का। और पुलिस बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो गई है, तो अपने को निकलने के लिए रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। और गाड़ी खड़ी है अपनी बहुत ही दूर यार, यहाँ पे तो कोई गाड़ी भी नहीं जिसको मैं उठा के भाग सकूँ। ओके, वैसे पुलिस आ रही है, वो देखो सामने पुलिस की गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। ओ भाई मारना ही पड़ेगा, मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हो गया हूँ। और मेरी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है यार? ओ भाई तुम रुक जाओ, चलो ओके मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो मैं अपनी गाड़ी लेके भागता हूँ। और चल भाई, ओके गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी। चल भाई अब ड्राइवर भागाना शुरू कर। ओ आंटी जी हट जाओ यार, वैसे भी मैं भाग रहा हूँ पुलिस से और तुम लोग और आगे आ रहे हो। ठीक है चल भाई, ट्रेवर जल्दी से भागा दे गाड़ी, और पुलिस तो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी। ओ भाई लोग, अंकल आंटी हट जाओ जरा। चल ठीक है जल्दी से चल ट्रेवर, और पुलिस से पीछा छुड़ाना है अपने को। चल 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 चल, और इधर टर्न ले ले। पुलिस से पीछा छुड़ाना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे के एरिया में कोई पुलिस की गाड़ी, ओ शिट आ गई। मैं यही कहने जा रहा था, आगे के एरिया में गाड़ी नहीं दिख रही, और वैसे ही नाम लो शैतान हाजिर। खैर ठीक है चलते हैं, और सामने से गाड़ी आ रही है तो हम चुपचाप कच्चे रास्ते से निकाल लेते हैं। ओके, ये रहा रास्ता अपना, पतली गली जिसे कहते हैं पतली गली, पकड़ के निकल लेना। बस ये येलो मार्क जो दिखा रहा है अपनी लोकेशन वहां पहुंचने के लिए। ओ भाई ब्रेक लगा। तो गाइस चलते हैं जल्दी से डेविन के हाउस, यानी डेविन्स हाउस। तो भाई वहां चल के उसका गेम बजाएंगे। वैसे चल भाई जल्दी से फ्रैंकलिन, वो ट्रिवर मुझे पहुंचा दे वहां पे। अभी तो डेविन के घर पे चलना है, और डेविन की पता बंदी जो थी उस पे ये ट्रिवर बहुत लाइन मारता था। ठीक है चलते हैं जल्दी से और गाड़ी दौड़ा देते हैं। ओ भाई वैसे इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा एनकाउंटर हो गए। पहले तो उसको चैंग पैंग को मारा, और उसके बाद हमने मारा दूसरे बंदे को, और अभी इस FIV वाले बंदे का गेम बजा के आ रहे हैं, और अभी जा रहे हैं डेविन के घर पे। ओ हट जाओ भाई लोग। ओके गैस, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं डेविन विंस्टन के घर पे। तो ज़्यादा दूर नहीं बचा है, बस 300 मीटर्स बचा हुआ है। तो चलते हैं भाई और देखते हैं क्या करना है अपने को उसके घर पे। और मुझे लगता है ट्रिवर अपनी बंदी से तो मिलने नहीं आ रहा है, उसकी जो बंदी थी वो ट्रिवर को पसंद करती थी। ओ भाई घर देखो क्या लोकेशन है घर की। ठीक है चलते हैं घर के अंदर। ओ भाई गेट खोलने वाला नहीं है कोई। डेविन है सराउंडेड हिमसेल्फ विद मैरी वेदर गार्ड्स। ओके भाई तो उसने तो पूरा किला बना दिया है इस जगह को। तो मैरी वेदर के सारे गार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं और इसकी हिफाजत कर रहे हैं, किडनैप डेविन। तो भाई डेविन को किडनैप करना इतना सिंपल नहीं होगा। ठीक है चलते हैं देखते हैं, किडनैप करने की कोशिश करते हैं डेविन को। तो चल भाई ट्रेवर जल्दी से उसको किडनैप करने की कोशिश कर। ओके टेक आउट गार्ड्स। तो भाई गार्ड्स का यहाँ पे गेम बजाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। चल भाई मेरी वेदर के ये गुंडे कितना रोकेंगे अपने को। चल भाई, ओ भाई वो तेरी तो, तुमसे तो वैसे भी गुस्सा है सालो, मेरे पीछे पड़े थे ना मेरी वेदर, बहुत बड़े टशन दिखाते सालो। और
और वो और गुंडे आ रहे हैं तो मैं सबका गेम बजाता हूँ भाई, कवर ले ले जल्दी से। वो रहा एक गुंडा, मार साले को। बहुत सही, बहुत सही भाई ट्रेवर, क्या मारता है रे तू। ओ भाई पीछे से आ गया, मार साले को जल्दी से। और एक नीचे है, चल तेरी तो। किडनैप डेविन, तो भाई डेविन कहाँ है? ओ डेविन आ गया तेरा बापू तुझे लेने के लिए। चल जल्दी से ट्रेवर, पकड़ ले डेविन को। कहाँ बैठा हुआ है ये? इधर तो नहीं है। ओके पूल के पास बैठा होगा साला। और इसने मेरे इधर के गार्ड्स बुला के कौन सा मेरे को रोक लिया? कहाँ है बे? आई नीड चॉपर, ये तो फोन। ओके बक्से के अंदर छुपा बैठा है। ओ मार साले को मार, बहुत बड़ा गुंडा बनता है ना ये। गया था ये उसको फ्रैंकलिन को ऑफर देने कि मार दो उसको, माइकल को, ट्रेवर को मारने का ऑफर देने गया था ना। अब ट्रेवर के हत्थे चढ़ गया ना तू, अब देख तेरा क्या हाल होता है, क्या हाल करता है ट्रेवर तेरा। तो चल भाई तेरी ये भयंकर वाली गाड़ी लेके ही चलेगा। तो भाई ये अपनी गाड़ी बीच में खड़ी है, इसको किनारे कर देते हैं। तो चल भाई ट्रेवर इसको लेके चल जल्दी से अपने पॉइंट पे। माय गॉड मिस्टर वेस्टर्न, लेट्स टेक हिम आउट ऑफ द सिटी। तो गाइस इसको हम सिटी के बाहर लेके जाएंगे जल्दी से, और उसके बाद जो है अपना ये मिशन कंप्लीट होगा। मिलेंगे उसके बाद नए मिशन पे। तो गाइस हम लोगों ने वेस्टर्न को किडनैप कर लिया है, यानी ट्रेवर ने वेस्टर्न को उठा लिया है उसके घर से। तो चल भाई, ओ भाई ये बोट लेके जा रहा है। ओके गाइस तो हम डेविन वेस्टर्न को किडनैप करके ले जा रहे हैं सिटी के बाहर, और लगभग सिटी के बाहर आ भी गए हैं। और उसके बाद हमारे दोनों दोस्त यानी बाइकी, माइकल और फ्रैंकलिन मिलेंगे हमको वहाँ पे, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है इसका। तो चल भाई जल्दी से ट्रेवर लेके चल इसको, बहुत बड़ा ये गुंडा बनता है ना, आर्मी रखेगा अपनी प्राइवेट आर्मी। तो अब देख दिखाता हूँ तुझे आर्मी तेरी कहाँ घुस गई। चल भाई ट्रेवर जल्दी से लेके चल इसको, वहाँ पे वेट कर रहे होंगे अपना ये सब माइकल और फ्रैंकलिन। तो चल जल्दी से, अभी आधा किलोमीटर बचा है, तो चल भाई फटाफट पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या हाल करेंगे। ओ भाई ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, आगे आ गए। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अबे मेरे को धमकी मत दे वरना इतना पटक के मारूंगा ना कि साले औकात भूल जाएगा डेविन वेस्टर्न। बहुत बड़ा अरबपति होगा तू, अपने लिए होगा। ठीक है गाइस हम कच्चे रास्ते पे आ गए हैं यहाँ पर से। तो चल भाई जल्दी से ट्रेवर लेके चल अपने यहाँ पे पुरानी लोकेशन पे आ गए। ओ भाई ये देखो ये, अब आ गए हम अपनी लोकेशन पे, और यहीं पे अपन लोग इकट्ठे होने वाले थे इसको किडनैप करके यहाँ पे लाए हुए हैं अभी। बोल भाई तेरा क्या हाल किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल भाई वेस्टर्न तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? ओ ये तो भाई ट्रेवर इंतजार कर रहा है बाकी दोनों का। तो गाइस आ गया अपना बंदा माइकल, और अभी फ्रैंकलिन कहाँ रह गया? यस वी आर नेवर बेटर। फ्रैंकलिन भी आ रहा होगा। ओ भाई सिगरेट विगरेट पी ले रहा है, सारे जब पीना नहीं आता है तो क्यों जला लेता है। ओके तो गाइस फ्रैंकलिन भी यहीं पे आ गया है, और आई अज्यूम यू गॉट हिम। ये रहा अपना करोड़पति, अरबपति, खरबपति डेविन वेस्टर्न। You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then बात तो सही कर रहा है कि तू मेरी वजह को अपनी प्राइवेट आर्मी बना रखा था और बाहरी लोगों से अपना काम करा रहा था, जिसके सरगना चैंग का हमने गेम बजाया था। हमने ने क्या ये फ्रैंकलिन की गेम बजाया था, और उसके बाद माइकल ने एफबीआई वाले का गेम बजाया था।
तो बोल वे नंगे तेरा क्या किया करें हम, और अपनी ये जो फालतू की तेरी प्रॉब्लम्स है इसे अमेरिका के बाहर रख, यही फालतू की बकवास कर रहा है। चल भाई, गुड बाय माय ओल्ड फ्रेंड। और इसके साथ क्या करने वाले हैं? ओ तेरी, इसको तो हम नदिया में फेंकने वाले हैं। तो ये लो भाई, फेंक दिया इसको खाई में, नदी में। तो इसी के साथ विंस्टन, डेविड विंस्टन का किस्सा भी खत्म हो रहा है। बहुत सही, ब्लास्ट भी हो गया। तो गाइस, हम तीन जो है इस शहर के बादशाह है। तो अब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे एज अ फ्रेंड। अब बिल्कुल भाई, दोस्त ही बन के रहेंगे। As flawed, awful, totally uncomfortable and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's kind. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. सही बात है कि civilization is greatest virtue, और हमको उसी तरीके से रहना चाहिए। हाँ भाई, तू माइकल से हेट करता है, पता है। चल भाई, तुम लोग आपस में पिलम पिलाई करो, हम चलते हैं, ये कहना है फ्रैंकलिन का। तो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। और भाई ट्रिवर, सुन कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ इन फालतू की बकवास के लिए। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अपना ट्रेवर जो है खुला सांड की तरह घूम रहा है। और गाइस, इसी के साथ ख़त्म हुआ ये GTA 5 और ये सीरीज़ भी। तो गाइस, आपको ये सीरीज़ होप की बहुत ही पसंद आई है, और हम जल्दी नई सीरीज़ भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें विवेक प्लेशन गेम प्लेज, और प्रेजेंट में अपना नाम है वी गेमर्स। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।